दोस्तों आज इस वीडियो में बहुत ही स्पेशल आपको बात बताने वाला हूं। दिल्ली के फेमस नागपाल छोले भटूरे के ऑनर अमन नागपाल जी पहली बार आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, पहली बार फ्रेंचाइजी बताओ या यूट्यूब पर आ रहे हैं। आपने आज तक इनको कभी ऑनलाइन नहीं देखा होगा और आज आप इनसे जानेंगे किस तरीके से इन्होंने एक आउटलेट से 60 से ज़्यादा आउटलेट तक का सफ़र तय किया, किस तरीके से इन्होंने छोले भटूरे को एक वर्ल्ड वाइड रेसिपी बना दिया, किस तरीके से लोग छोले भटूरे का जब नाम लेते हैं तो उनके दिमाग में एक बार नागपाल छोले भटूरे जरूर आता है। तो जानना चाहेंगे इस ब्रांड के बारे में, मिलना चाहेंगे सीधा दिल्ली के फेमस नागपाल छोले भटूरे के ब्रांड ऑनर अमन नागपाल जी से। देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों अब इंतजार खत्म हुआ, हमारे साथ हैं दिल्ली के फेमस नागपाल छोले भटूरे के ब्रांड ओनर अमन नागपाल जी। आज हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से आप वही जायकेदार छोले भटूरे की फ्रेंचाइजी पूरी इंडिया में ओपन कर सकते हैं, किस तरीके से इन्होंने कोविड के दौरान भी पूरी इंडिया में अपने नाम का परचम लहराया, किस तरीके से एक के बाद एक फ्रेंचाइजीज ओपन हो रही हैं और लोगों को इनका टेस्ट बहुत पसंद आ रहा है। तो आइए हम और आप मिलकर स्वागत करते हैं दिल्ली के फेमस नागपाल छोले भटूरे के ब्रांड ओनर अमन नागपाल जी का। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंचाइज बताओ में। कैसे सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ। अमन जी सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, नागपाल छोले भटूरे आज किसी नाम का मोहताज नहीं है और दिल्ली में अगर कोई छोले भटूरे का शौकीन है दिल्ली एनसीआर में कहीं भी तो आपके छोले भटूरे तो उसने जरूर टेस्ट किए होंगे। बिल्कुल। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि आखिरकार नागपाल कब शुरू हुआ और इसकी पूरी जर्नी क्या है। सर ऐसा है, नागपाल शुरू तो आज से 40-42 साल पहले हुआ था, तो इन द मीन टाइम अपना पहले से मोटिव यही था कि 12th के बाद जैसे सबका होता है कोई डॉक्टर बनेगा कोई इंजीनियर बनेगा। तो आई वाज ऑलरेडी इनटू माय पैशन लाइक आई विल गोना डू होटल मैनेजमेंट। ओके, तो होटल मैनेजमेंट करी, उसके बाद अपने ही शॉप पे अपने बिजनेस को बढ़ाने का आइडिया था। तो 2019 में जैसा आपको पता है महामारी तो आई गई थी, कोविड आ गया था, तो फिर लोगों की हेल्प करने के लिए हमने सोचा क्यों ना इस बिजनेस को और बढ़ाया भी जाए, क्योंकि हमारे दादाजी कहते थे जैसे पानी में बॉल को डालोगे ना जितना उसे स्क्वीज करोगे ना जब उसे छोड़ोगे तो एकदम फेंकेगी। ओके, तो जिस टाइम दुनिया श्रिंक हो रही थी तो हमने कहा फैलने का टाइम है, तो ये मेरी अपनी सोच थी। तो उसी सोच के साथ हम आगे बढ़े, हमने कहा लोगों को जिनकी जॉब चली गई है जिनके धंधे बिजनेस बंद हो गए हैं, जिम सैलून बहुत चीजें थी ऐसी, हाँ जी, तो हमने कहा उन लोगों को एक नया बिजनेस दिया जाए जो छोटे टर्म में छोटा प्रॉफिट भी देता है। हाँ, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं देता है क्योंकि आइटम साइज हमारा, टिकट प्राइस हमारा 150-200 रुपए इससे ऊपर है नहीं। बट उसके बाद एक फ्रेंचाइजी दी इंदिरापुरम में, वो खुलते 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 आज सिंगापुर के बारक्लेस मैनेजर बैंक का मैनेजर भी मेरी फ्रेंचाइजी चला रहा है। तो इट्स नथिंग लाइक कि कोई काम छोटा बड़ा होता है, बट हमने एक हेल्प करने के तौर से कोविड में इस चीज को निकाला था। तो बेसिकली इसको कहते हैं सक्सेस स्टोरी। आप देखिए दिल्ली से शुरू हुआ और आज सिंगापुर तक आपको नागपाल छोले भटूरे देखने को मिल जाएगा। जब हम छोले भटूरे की बात करते हैं, नागपाल की बात करते हैं, तो आपके मेन्यू में क्या सिर्फ छोले भटूरे हैं या फिर आपके मेन्यू में कुछ और भी है? नहीं नहीं सर, अब हम कैटर पूरी सारे कुजींस में करते हैं। लाइक अब हमारे इसमें तीन मॉडल है, हमारे इसमें एक टेक अवे आउटलेट कियोस्क मॉडल होता है, एक स्मार्ट किचन है और एक डाइनिंग मॉडल है जो पूरा प्रॉपर रेस्टोरेंट टाइप में होता है। ओके, तो कियोस्क और स्मार्ट किचन के अंदर हम दो ही कुजीन प्रोवाइड करते हैं, जैसे एक तो एक नागपाल का छोले भटूरे नॉलो, ऑप्शनली में आप साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन ले सकते हैं। ओके, एंड इफ यू गो फॉर डाइनिंग उसकी फीस उसका हर चीज अलग है स्ट्रक्चर, तो उसमें 5 कुजीन होते हैं, उसमें आपका नागपाल साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन चाइनीज सब रहता है। जैसे मेरे ऑलरेडी डाइनिंग में चल रहे हैं मोहाली 3B2 मार्केट में पंजाब में 1200 स्क्वायर फीट का आउटलेट है, बरेली में अभी ओपन हुआ है वो 2000 स्क्वायर फीट का आउटलेट है, अभी हिसार में ओपन हुआ है वो 800 स्क्वायर फीट का आउटलेट है। तो ये सब रेस्टोरेंट मॉडल पे ही चल रहे हैं, इन सब में 5 कुजीन अब एक्टिव है, आप कभी भी जाएं तो टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी आपके टोटल कितने आउटलेट्स हैं पैन इंडिया? सर सच बोलूं तो गिने नहीं है, बट अक्रॉस 60 तो है। ओके, ये आपके फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं? हाँ, फ्रेंचाइजी आउटलेट्स। तो आपके जब आपने फ्रेंचाइजिंग शुरू की, आपने कहा कोविड के दौरान शुरू की लोगों की हेल्प के लिए, तो कैसा रिस्पांस आया? क्योंकि कोविड के दौरान लोगों को हाइजीन इशू था, कोविड के दौरान लोग डर रहे थे नया बिजनेस करने के लिए, तो आपके ब्रांड को लोगों ने इतना एक्सेप्ट क्यों किया, आपको क्या लगता है क्या रीजन था इसके? बेसिकली हमारा मोटिव क्लियर था, हम अपने एक सेंट्रलाइज किचन बनाते हैं, आज आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ पे भी हमारी सेंट्रलाइज किचन है, तो हमने शुरुआत से एक मोटिव के साथ चले थे, एक पूरा प्लान था हमारा, हमने अपना फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए पहले सेंट्रलाइज किचन अपना बैकअप प्लान बनाया और सेंट्रलाइज किचन से आज जितने भी आउटलेट है सब जगह माल सप्लाई होता है।
ओके, तो बेसिकली जो आपकी क्वालिटी जो रहेगी वो मेंटेन रहेगी और वो हमारे पास बन के जा रहा है, तो वी आर मेक श्योर दैट वो कितना बेसिकली। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आप नंबर्स पे नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, अलग अलग जगह आपकी फ्रेंचाइजीज खुलती जा रही है, तो ऐसे में क्वालिटी और टेस्ट को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसके पीछे आपने क्या पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई है? सर ऐसा है कि रेसिपी तो हमारे ताऊ जी की थी। हाँ जी। तो जो ऊपर का दिया हुआ है भगवान का, उनका अच्छा है। तो इसमें मसाले में क्या है, बेसिकली हमारे मसाले हैं सर, हमारे 36 मसाले मिक्स होते हैं, उससे हमारा स्पेशल छोले मसाला बनता है, जो कुछ ही टाइम में शायद आप पैकेजिंग में भी देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा छोटे छोटे चाट मसाले के टाइप पे बॉक्सेस में। बट इट्स लाइक वो आपकी डाइजेशन के लिए हेल्प करता है। अगर 90 ईयर्स का एजड इंसान भी हमारी दुकान पे भटूरा खा के जाएगा तो उसे डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अभी बॉम्बे में भी हम लोगों ने अपना जैसे खुद का ब्रांड आउटलेट खोला है खार में, कबूतर खाना एकदम स्टेशन के पास, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जी के नाम से वो फेमस हो गया, क्योंकि उन्होंने वहां से खाए तो आज लोग कहते हैं कि विराट कोहली जी ने जहां से भटूरे खाए हमें भी वहीं से खाने। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी आपके स्टोर्स पर आकर आपके प्रोडक्ट का मजा लेते हैं। सर आना तो नहीं बोलूंगा, हाँ बट घर पे मंगा के तो जरूर मजा लेते हैं सर, क्योंकि वो आएंगे तो फिर उनके लिए इतनी भीड़ लग जाएगी, बिल्कुल उनका आना पॉसिबल तो नहीं है, हम भी समझते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीबॉडी, वो बादशाह सर हो, उन्होंने साकेत के आउटलेट से खाया, उन्होंने एक वीडियो आया वायरल हुआ उस पर हमें पता चला, फिर विराट कोहली अनुष्का शर्मा जी ने तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया, तो थैंक यू। तो फिर अभिमन्यु जी हैं, एक फूड ब्लॉगर हैं, तो वो खुद आए, तारक मेहता वाले हाथी जी आए थे सर, जो उसमें हाथी बनते हैं, सॉरी आई डोंट नो हिज पर्सनल नेम, बट मिले हमसे शॉप पे, तो चलती आ रही है सर जर्नी। बिल्कुल, हम फ्रेंचाइजी के बारे में बात करेंगे, हम जानेंगे कि फ्रेंचाइज मॉडल क्या है, किस तरीके से आप नागपाल की फ्रेंचाइजी लेकर इनकम कमा सकते हैं, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा सवाल कि अब ऑलरेडी आपके मल्टीपल आउटलेट्स पैन इंडिया ओपन हो रहे हैं, तो क्या आगे भी आपने कुछ सोचा है इसको एक्सपेंड करने के लिए, कुछ और लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स लाने के लिए? सर जैसे जैसे राह मिलती जा रही है चलते जाएंगे, ज्यादा बड़ी की लालच नहीं है। ओके, ईमानदारी से जीना आता है, बस वही करेंगे, जितना चलेगा आगे देखेंगे, जब तक हो पाएगा सब करेंगे। अभी ऐसे अपने साथ मेरा खुद का छोटा भाई भी है, ऋषभ नागपाल नाम है उसका, ही इज ऑल्सो एज अ ओनर यू कैन से, ठीक है, बट नथिंग लाइक, सब संभालता है वो, पीछे से डिजिटल मार्केटिंग सारा उसके हैंडल पे है, सारी हमारी प्रमोशन वही करता है। अब आउटलेट्स दिल्ली के जैसे सेटअप कराते हैं तो वही लोग कराते हैं, बाकी 120 जनों की उसके नीचे टीम है, हमारे मैनेजर्स हैं, 1250 एम्प्लॉयज है मेरे पास। वाओ, ग्रेट, मतलब आप एम्प्लॉयमेंट का भी काम कर रहे हैं। वी आर लाइक अ फैमिली, वी डोंट वर्क इंडिविजुअली, वी आर लाइक अ फैमिली, क्योंकि लेबर नहीं होगी तो हम नहीं खड़े हो सकते सर। बिल्कुल, टीम के साथ ही काम करता है कोई, सोशल मीडिया नहीं होगा तो भी हम नहीं खड़े हो सकते, तो वी नीड एवरीबॉडी इन आवर टीम, वी फाउंड दैट ओन टीम इन आवर होम ओनली। ठीक है, अब चूंकि सर आप फ्रेंचाइजी बताओ पर हैं, तो लोग यहाँ पर आते हैं कि हम किस तरीके से फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो आपने बताया कि आपके तीन अलग अलग मॉडल हैं, कियोस्क, इसके अलावा स्मार्ट किचन एंड डाइनिंग, तो सर मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके उसकी इन्वेस्टमेंट क्या है और क्या एरिया रिक्वायरमेंट है उसके लिए, अगर आप बता सके। सर कियोस्क जो है उसके लिए 120 स्क्वायर फीट की जगह रिक्वायरमेंट है। ओके, बट सेटअप कॉस्ट उसमें भी सेम ही रहता है, फ्रेंचाइजी फीस सेम रहती है। कई बार होता है लोगों को लोकेशन पे जगह छोटी मिल जाती है, बट लोकेशन इज प्राइम। ओके, तो तब भी उसका सेटअप कॉस्ट सेम है, और स्मार्ट किचन का भी सेटअप कॉस्ट सेम है, दोनों का सेटअप कॉस्ट 12.5 लाख आता है सर। ओके, जिसमें 5 लाख हम फ्रेंचाइजी फीस चार्ज करते हैं, 7.5 लाख का सेटअप कॉस्ट है, हम उसकी एक्सेल क्रिएट करते हैं, हम आपको देते हैं, आपको चाहिए आप करवा लीजिए, हमसे करवाना है हम करवा दें। ओके, एंड वी गो लाइव इन लाइक 15 डेज, वी वोंट टेक मोर देन दैट टाइम। तो बेसिकली अगर कोई चाहता है कि आप ही हमारा सेटअप कर दीजिए, हम आपको इन्वेस्टमेंट दे देंगे, आप पूरा हमारा किचन रेडी कर दीजिए, आउटलेट रेडी कर दीजिए, तो उस केस में आप करते हैं? हाँ हम करते हैं, और 15 दिन के अंदर आउटलेट लाइव करके देते हैं। कोई भी फ्रेंचाइजी जब आप चूज करते हैं तो क्या मापदंड होता है कि कौन सी फ्रेंचाइजी आपको लेनी है कौन सी नहीं लेनी है? सर बेसिकली हम लोग सबसे पहले फ्रेंचाइजी का सीधा एग्रीमेंट नहीं करते हैं, वी हैव लाइक आवर एग्रीमेंट इज लाइक ऑफ 49 पेजेस। ओके, सो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, प्लस उससे पहले हम लोग एक LOI एग्रीमेंट साइन करते हैं विच इज लाइक 20%, वो हम लोग एडवांस में लेते हैं विच इज रिफंडेबल। उसके बाद हम आपकी लोकेशन पे हमारी टीम आती है, वेदर यू कॉल इट इन बॉम्बे, रांची, हिसार, पटियाला, एनीवेयर, जहाँ भी आप इंडिया में कहेंगे तो वहाँ टीम आएगी, वहाँ पे एक PPT क्रिएट होती है, आपकी फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट मंथ से लेके 5th ईयर के लास्ट मंथ तक क्या सेल और प्रोजेक्शन आ रही है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते हमारा आउटलेट बंद हो,
तो प्रोजेक्शन के बाद हम लोग आपके साथ बैठते हैं, उसके बाद आपको गो थ्रू जाना होता है, तो वी गॉट साइन द एग्रीमेंट, अदरवाइज उसी में आपको 20,000 डिडक्ट होके 80,000 रुपीज रिफंडेबल रहता है। ओके, तो बेसिकली जो आपके जो एक्सपेंसेस हुए हैं ट्रैवलिंग के और टीम चार जने जाएंगे सर रहेंगे, ट्रैवल एक्सपेंस खाने का है रहने का है, बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर देयर, कल को वो लोकेशन में खुल जाए और उनकी सेल ना आए उसका ज्यादा नुकसान है सर। अच्छा, लोकेशन की जब हम बात करते हैं तो आपका बेसिकली एक आउटलेट से दूसरे आउटलेट का डिफरेंस क्या होता है? सर जैसे बॉम्बे में है वो 3 किलोमीटर रखा है हमने, बहुत हाई डेंसिटी है और हाई डेंसिटी है। अब जैसे आप दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में हम 5 किलोमीटर रखा है। ओके, अब गुड़गांव है वहाँ भी 5 किलोमीटर, अब नोएडा है वहाँ थोड़ा कम करा है। ओके, क्योंकि नोएडा में बहुत दूर दूर है सारे सेक्टर्स, हाँ जी, एंड दे आर लाइक एवरी सोसाइटी हैज इट्स ओन मार्केट, सो लाइक इफ यू विल गो इन नोएडा तो सिर्फ नोएडा के मॉल से जाना ही चल रहा है। अब नोएडा के मॉल में भी हमारा एक आउटलेट आ रहा है सूर, सो वो पूरा फूड कोर्ट है एंड ईच एंड एवरी ब्रांड इज देयर, 10 तो PVR है उसमें, सिनेमा हॉल्स हैं, सून यू विल गोना सी अस ओवर देयर। तो बेसिकली इसमें आपकी रॉयल्टी क्या रहती है और किस तरीके से जो फ्रेंचाइजी वो काम करती हैं? सर बेसिकली इस पूरे मॉडल में क्या रहता है ना, हम लोग जैसे मैंने आपको बताया पहला प्रोसीजर LOI का होता है, उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, सेम आपकी पोजीशन पे वहीं बैठ के जहाँ भी आपकी लोकेशन होती है वहीं हम लोग आपकी पूरी सेटअप कॉस्ट बनाते हैं, लाइक व्हाट ऑल एक्सपेंस हैज टू बी डन इन द शॉप, वो आपके साथ वहीं बना के हम वहीं डिस्कस करते हैं, वहीं से क्लोज करते हैं, चाहे वो हमें बनाना हो चाहे आपने करना हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है कि लेस कंडीशन में सारी लेबर जो होती है जो शॉप पे काम करने वाली वो हम प्रोवाइड करते हैं एक्सेप्ट कैशियर, वी वोंट टेक द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैश। ओके, क्योंकि हमारी सारी लेबर जो है इट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम बिहार। ओके, अलग अलग, वी हैव 70% मैन पॉपुलेशन ऑफ बिहार सर। ओके, आजमनगर, कटिहार, समस्तीपुर, दरभंगा, वी हैव लाइक 70% मैन पॉपुलेशन फ्रॉम देयर, तो लेबर जो रहती है 5 ईयर्स हमारी सप्लाई रहती है, और इसमें हम लोग 3 महीने का वेव ऑफ देते हैं, 3 महीने बाद आपकी 3.5 लाख से ऊपर सेल जाती है इन दिल्ली NCR, तो हम 5% रॉयल्टी चार्ज करते हैं सर, एंड अगर 3 महीने बाद जैसे बॉम्बे में है 4 लाख क्रॉस करती है क्योंकि वहाँ पर रेंटल ज्यादा है, हाँ जी, हर चीज ज्यादा है, हर चीज एक्सपेंसिव है, तो वहाँ की सेल ऑफ प्रोजेक्शन 4 लाख है, उसके बाद हम लोग रॉयल्टी चार्ज करते हैं 5%, उससे नीचे हम कुछ चार्ज नहीं करते, एंड इट्स ऑल रिटन इन अवर एग्रीमेंट, एवरीथिंग इज देयर। तो बेसिकली जो आउटलेट्स आपके अभी ओपन हैं जो चल रहे हैं उनका ROI कितने दिनों में आ गया, एक क्योंकि बताना तो बड़ा मुश्किल है कोई भी, लेकिन जो आपका प्रायर रिकॉर्ड है सर, आई विल प्रेफर कि मेरा पहला आउटलेट खुला था 2019 अक्टूबर में इंदिरापुरम, जहां से नागपाल की फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी सर, आप एक बार वहां जाइए उनसे फीडबैक लीजिए उन्हें पता चलेगा आपको, और बाकी जहां तक ROI की बात है सर, अभी उस आउटलेट की सेल समवेयर अराउंड 9.5 लाख है, जो मैं ऑन बोलूं ऑन पेपर जो है तो 9.5 लाख है, अब ऐसे ही मेरे चंडीगढ़ में आउटलेट है उसकी सेल 12 लाख है, मतलब आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग एवरीबॉडी बट जस्ट टेल टू ROI, सो इट्स लाइक इट्स अबाउट डिपेंडिंग अपॉन योर सेल, इफ यू आर सेविंग सेल लाइक समवेयर अराउंड 5 लाख, जो आज की डेट में हमारे आउटलेट्स की मिनिमम सेल है 4.5 से 5 लाख रुपए मिनिमम सेल, तो उसमें भी आपका ROI 8 महीने में निकल जाता है। ओके, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे, नेट की नहीं करेंगे? बताऊंगा, हमारा 40% है सर, नेट प्रॉफिट 40% है सर। बेसिकली आप इस बिजनेस में अगर सेटअप देखेंगे, अगर आपने जगह लेके सब कुछ करके फ्रेंचाइजी फीस सेटअप डाल के टोटल योर इन्वेस्टमेंट समवेयर विल बी अराउंड 15 लाख, अब 15 लाख में इफ आई टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट देन इट विल बी लाइक आपका कुछ अमाउंट तो आपकी सिक्योरिटी में पड़ा है, 7.5 लाख के एसेट्स हैं आपके पास, एंड 5 लाख अगर आपने फ्रेंचाइजी फीस दी है और पहले महीने में 5 लाख सेल कर ली तो यू आर स्टैंडिंग ऑन योर 12.5 लाख इन द फर्स्ट मंथ, और ये चीज किसी बिजनेस में आपको नहीं मिलेगी। ग्रेट, मतलब इसीलिए लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं और डे बाय डे आप अपनी फ्रेंचाइजीज बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर लोगों को कारोबार मिल रहा है, हमें भी लोग अच्छा खाना खिलाने में खुश हैं, हम भी खाना खिलाने में खुश हैं। ठीक, अगला जो मॉडल है आपका डाइनिंग मॉडल जो आप बता रहे हैं कि लोग पसंद कर रहे हैं, मल्टीपल क्यूजाइंस वहां पर आ जाती है, तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट रहती है आपकी? सर उसके लिए इन्वेस्टमेंट ऐसा है 32 लाख से 54 लाख तक जाती है। ओके, उस पर डिपेंड करता है आप इंटीरियर कैसा चाहते हैं, क्योंकि आजकल सिर्फ हमारा जो स्मार्ट किचन है या कियोस्क है या डाइनिंग है, वी आर क्रिएटिंग एन एम्बियंस ओवर देयर, इट्स जस्ट नॉट अ छोले भटूरे शॉप नाउ, बिकॉज नागपाल एक सरनेम था, आज नागपाल एक ब्रांड नेम है। बिल्कुल, सरनेम तो आज बहुतों के हैं नागपाल, तो एवरीबॉडी इज नॉट अ ओनर, तो नागपाल को ब्रांड बनने में टाइम जरूर लगा, बट
आज वो एम्बियंस के साथ सर्व करता है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आप शॉप पे आए हो, आपने प्लेट ली भैया से और आप खाए और कहे भैया बढ़िया थे, आप वहाँ बैठ भी सकते हैं। लाइक हमारे आउटलेट्स हैं 2000 स्क्वायर फीट के भी हैं, 1200 स्क्वायर फीट के भी, तो वो लोकेशन के हिसाब से डिसाइड करता है आपकी स्पेस, आपकी कैपेसिटी, आपकी पॉकेट। अब आप बात करेंगे मोहाली का आउटलेट, तो उसकी सेल भी उसी अकॉर्डिंग रहती है सर। आप 2 कुजीन में 20 आइटम बेच रहे हैं, 5 कुजीन में 100 आइटम, तो सेल विल बी अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। बिल्कुल, तो बेसिकली जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर जो भी आपके आउटलेट्स खुलते हैं, फ्रेंचाइजीज खुलती हैं, आपकी बेस किचन से सारा प्रोडक्ट वहाँ पर सप्लाई होता है। बिल्कुल सर। तो इंडिया तो बहुत बड़ा है, बहुत जगह अभी आपकी स्टार्टिंग होनी बाकी है। वहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं हमारे, अगर वो वहाँ पर फ्रेंचाइजी लेना चाहें, आपके साथ जुड़ना चाहें, तो उनके लिए क्या सिस्टम रहता है, कि कोई एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है क्या उनके लिए? सर सिस्टम रहता है एक्चुअली, अब जैसे आप कहेंगे तो अब जैसे रांची से लेके देहरादून तक हमारे आउटलेट्स फैल गए हैं। हाँ जी। इफ आई टॉक अबाउट लाइक पंजाब में 5 हैं, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, एवरीवेयर, जीरकपुर, चंडीगढ़, पंचकुला, एंड उसके अलावा आप बात करें तो बॉम्बे और नागपुर में भी हम लोग आ रहे हैं, अभी सुन चेन्नई में भी हम लोग आ रहे हैं। तो इट्स लाइक वी आर वेटिंग फॉर द गुड बेस, बट जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं, जहाँ हमारा 5-6 आउटलेट होते हैं, जो फर्स्ट आउटलेट हमारे जो फ्रेंचाइजी लेता है, वी गिव दैट अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन, सेंट्रलाइज किचन हम उनके वहाँ बनवाते हैं, सो दैट नेक्स्ट आउटलेट विल कम इन एनी ऑफ द रेडियस विच एवर विल बी लाइक डिसाइडेड ऑन दैट टाइम। तो उसके रेडियस के अकॉर्डिंग जो भी आउटलेट आएगा, तो उसमें सेंट्रलाइज किचन से जो सप्लाई जाएगा, वो फर्स्ट जो फ्रेंचाइजी ओनर होगा, ही विल गोना डू दैट। और उसमें 10-12% का मार्जिन होता है, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि सबको हम रीजनेबल प्राइस पे देते हैं, सो दैट दे कैन मेक द मार्जिन, तो इसीलिए। बट वो 10-12% भी जो रहता है, इट्स अ गुड अमाउंट, बिकॉज इट्स लाइक वेन यू ओपन लाइक 4-5 आउटलेट्स आपके एरिया में आ जाते हैं, तो यू विल बी सर्विंग लाइक यू फील गुड अबाउट दैट। तो बेसिकली आपने जाना कि नागपाल्स किस तरीके से डे बाय डे एक्सपेंड कर रहा है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, नाम में छोले भटूरे जरूर है, लेकिन मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर। अगर आप कियोस्क लेंगे तो यहाँ पर आपको 2 डिजाइंस मिलेंगी। अब दूसरा जो मॉडल है इनका, स्मार्ट किचन मॉडल है, उसमें बेसिकली सिटिंग्स भी हो जाती हैं, कुछ लिमिटेड सिटिंग्स, तो वहाँ पर भी आपको लिमिटेड कुजाइंस मिलती हैं। लेकिन जब आप डाइनिंग मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको 5 कुजाइंस मिलती हैं, और इन कुजाइंस में मल्टीपल आइटम्स होते हैं, इसकी वजह से आपकी सेल आती है। तो सर यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, छोले भटूरे तो कोई भी बना लेगा, हर घर में छोले भटूरे बनते होंगे और लोग चाव से खाते हैं, शौक से खाते हैं, एक कंप्लीट फूड है छोले भटूरे, लोग नागपाल को ही क्यों पसंद करें, नागपाल की फ्रेंचाइजी क्यों लें? सर बेसिकली छोले, अब जैसे आपने कहा छोले भटूरे तो हर कोई बनाता है सर। हाँ। अब आप छोले भटूरे बनाने जाओगे तो आप 1 किलो छोले कुकर में भी डालोगे तो भी बना लोगे। हाँ जी। हमारे छोले बनने का प्रोसीजर ही 4 घंटे का है सर। बेसिकली जो हमारे मसाले हैं वो हमारे खुद के हैं, पिसाए हुए, खुद की रेसिपी है, प्लस उससे आपको डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकेंडली हम अगर छोले उबालते हैं, लोग चाय पत्ती डालते हैं काला करने के लिए, बहुत चीज़ें करते हैं, वी यूज आंवला, और हमारी हर दुकान पे सुबह 4 बजे छोले खुद बनते हैं, आप कभी भी आके देख सकते हैं, हर किसी को अलाउड है आके देखना, क्योंकि छोले सामने ही बन रहे होते हैं। ऐसा है जहाँ सेंट्रलाइज किचन है वहाँ आप आके देख सकते हैं, पंजाब में जाएं आप वहाँ जाके देख सकते हैं, बॉम्बे में जाएं आप वहाँ देख सकते हो, अभी रांची खुल रही है, देहरादून खुली है, वहाँ देख सकते हैं, मतलब जहाँ ज्यादा आउटलेट है वहाँ सेंट्रलाइज किचन है, वहाँ देख सकते हो। बिल्कुल। और बेसिकली क्या है सर, हम कमाने से ज्यादा खिलाने में भरोसा रखते हैं। बिल्कुल। हमारे दादा कहते थे कि बचपन में जैसे 2 टुकड़े का नोट भी आए तो ले लेना, लक्ष्मी को मना नहीं करते, खाना खिला वो भी लक्ष्मी है, चाहे वो जलेगी नहीं ना, नोट वैसे चलेगा नहीं। हाँ, बिल्कुल। पर वो भी लक्ष्मी है, उसको रख, उसकी पूजा करते हैं। बेसिकली एथिक्स के साथ आप ये बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली वैल्यूज हैं जिसके साथ ये बिजनेस कर रहे हैं। तो डाउन द लाइन 5 साल 7 साल 10 साल में आप क्या विजन है आपका, कि नागपाल छोले भटूरों को आप कहाँ देखते हैं? सर व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी, सो आई इन्वेस्टेड समवेयर अराउंड 9 to 10 lakhs, नाउ आई हैव अ टर्नओवर Like in CRs. Okay. So, बस इतना ही कहना मेरे लिए बहुत है, बात ये पैसों का नहीं है, 1200 लोगों का परिवार चलता है इससे, इट्स नॉट जस्ट नॉट अ, मैंने आपको कहा भी यार फैमिली, मेरे पास 1250 लेबर है, अगर हर एक की फैमिली में 4 बंदे भी मान लो तो समय 4000 something people यूज टू ईट फ्रॉम दिस नागपाल फैम, तो सबका घर यहीं से चलता है, जस्ट नॉट माइन, सब चीजें यहीं से है, बाकी सब सामने ही है सर आपके। अमन जी मैंने सुना है कि आप दिल्ली छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो गए हैं, और दिल्ली में तो आपका बड़ा बोलबाला है,
इसके पीछे क्या रीजन है और दिल्ली का बिजनेस कैसे संभलेगा? नहीं नहीं, दिल्ली का बिजनेस भी चल रहा है सर। एक्चुअली मैं बॉम्बे शिफ्ट इसलिए हुआ हूँ क्योंकि वहाँ मैं एक्सपेंशन के लिए गया हूँ। लाइक हम दिल्ली की जितनी कैपेसिटी समझते हैं, दिल्ली वाला हूँ, बट बॉम्बे की ज़्यादा कैपेसिटी है आउटलेट्स ओपन करने की। एंड वहाँ पे फूड अच्छा नहीं, टू बी वेरी फ्रेंक। वहाँ लोगों को स्पाइसेस के नाम पे पता ही नहीं है कि मसाले क्या डालने हैं सर। जीज टू डू लाइक मिर्ची और लाल मिर्ची बस उनके लिए है, हरी मिर्ची और लाल मिर्ची, उससे ऊपर कुछ नहीं। मैं खुद वहाँ जाके वड़ा पाव पे जिंदा हूँ, सिर्फ अपने घर का खाना खाता हूँ, दैट्स इट। बाकी दिल्ली का जो सारा काम है वो मेरा छोटा भाई है, एक हमारा कजन भाई है, हमारा मैनेजर है मनीष नागपाल, वो भी नागपाल ही है। अब जैसे मैंने आपको कहा हर कोई ओनर नहीं है, नागपाल बहुत है, तो वो हमारा मैनेजर है। सेंट्रलाइज किचन सब वही संभालता है, बाकी ऋषभ यहाँ पे है मेरा छोटा भाई। तो दिल्ली का सारा आउटलेट्स अभी जितने हैं दिल्ली से पंजाब तक वो ऋषभ नागपाल संभालता है। बिकॉज आई एम ओपनिंग, आई एम टेकिंग केयर ऑफ बॉम्बे एज वेल एज वी आर कमिंग सून इन 6 months इन दुबई। ओके, बेसिकली फॉरेन एक्सपेंशन भी आप कर रहे हैं? हाँ, दुबई आ रहे हैं हम लोग 6 महीने में, लाइक नेक्स्ट ईयर विल बी इन सेप्टेम्बर विल बी लाइव देयर। ओके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सिर्फ इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को आप इंडिया का मसाला छोले भटूरे टेस्ट कराएं, इसी तरीके से ग्रो करते रहें, लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते रहें। एक ऐसा बिजनेस जो बहुत जल्दी आपको आरओआई दे रहा है, जहां पर आपको ज़्यादा नो हाउ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एम्प्लॉय कौन दे रहा है? नागपाल छोले भटूरे। क्योंकि आपको पूरा सिस्टम कौन दे रहा है? नागपाल्स। आपकी दुकान का सेटअप भी ये करके दे रहे हैं अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। 3 अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं, 10-12 लाख रुपये में आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बढ़ाना तो देखिए आपके हाथ में कि आपको उसको कितना बड़ा करना है, बड़ाई की कोई सीमा नहीं है। तो ये एक पूरा क्रिस्प था जो आप दिल्ली के फेमस नागपाल छोले भटूरे के ब्रांड ऑनर अमन नागपाल जी से आपने जाना। आप भी इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है। आप कॉल करिए, हमसे मिलिए, डायरेक्टली नागपाल्स में आकर मिलिए और आप इसकी फ्रेंचाइजी ज़रूर लीजिए। क्योंकि देखिए छोले भटूरे का शौकीन कौन नहीं है और ये कंप्लीट फूड में आता है, तो कंप्लीट फूड दे रहे हैं, ना कि ये जंक फूड है। तो आप ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी। बताओ, आज आपने समय दिया कुछ, लास्टली मैं आपसे चाहूंगा कि आप कोई लास्ट वर्ड्स अगर हमारे दर्शकों से कहें। सर मैं ये कहना चाहूंगा, जिसको भी फ्रेंचाइजी चाहिए, जो लेना चाहते हैं, मेरे 60+ आउटलेट्स हैं, आप मेरा जाके नाम पूछेगा, वो आपको बताएंगे, ब्रांड ओनर अमन नागपाल जी हैं। आप वहाँ पे जाइए, खा के देखिए, आपको पता चलेगा, तब आप फ्रेंचाइजी के लिए कॉन्टैक्ट कीजिए। नहीं तो मेरा नंबर है इनके लिंक में आपको मिल जाएगा, मेरे छोटे भाई का नंबर है, हमारा इंस्टाग्राम का पेज है नागपाल ऑफिशियल के नाम से, आप वो भी देख सकते हैं, वो सब लिंक में आ जाएगा। तो बाकी तो मुलाकात हो ही जाएगी दोस्तों। बस एक बात कहना चाहूँगा, ज़िंदगी में कुछ भी करो ईमानदारी से, तरक्की अपने आप मिलेगी। बिल्कुल, और यही ईमानदारी ये पिछले कई सालों से दिखा रहे हैं और इसी वजह से लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। तो आप भी जरूर पसंद करेंगे जब आप नियर बाय नागपाल छोले भटूरे के स्टोर पर जाएंगे और आप इनके छोले भटूरे टेस्ट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जुड़े रहिए मेरे साथ यानी आशीष अग्रवाल के साथ फ्रेंचाइजी बताओ पर, एक से बढ़कर एक जानदार वीडियोज़ के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।